अगर आप इनके जख्म देखें, अब तो बेचारी मुसलमान खातून इतना ही दिखा सकती है, लेकिन उनका पूरा जिस्म इस तरह का है। मैं जल गई, तो उनके डबल दरवाजे थे तो मैं इतनी चीखे मारी थी, मैं कह रही थी माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, कोई नहीं आया। खाने पीने के लिए बच्ची ने रोजा रखा हुआ है तो उनके पास कुछ ही नहीं है आज तो। बिल्कुल आपके घर में बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, अभी मैं चल के आई हूँ, 1.5 घंटे का सफर चल कर आई हूँ। चल के आई हूँ इतनी दूर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। देखिए, राबी पीरजादा फाउंडेशन का मकसद जो है वो वेमेन एम्पावरमेंट है, इस तरीके से कि हमने औरतों को खाना गर्म करने या कपड़े इस्त्री करने पर नहीं लगाना, हमने खवातीन के वो हकूक उन तक लेकर जाने जिनकी वो मुस्तहिक है। यहाँ पर खवातीन की इतनी दिल खराश कहानियां होती हैं कि अगर आप सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन वो इसी मुआशरे में जिंदा है बेचारी। ये एक बहन है, इनकी एक बड़ी ही दर्दनाक स्टोरी है और बड़ी ही एक अजीब सी स्टोरी है जिसको सुनकर हमारे आम बंदे के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये बिल्कुल नॉर्मल खातून थी, काम कर रही थी, इधर ही डिफेंस में किसी के घर पे गई और अमीर करोड़ों के घरों में, जैसे हमारा घर है उस तरह के घरों में वो लोग रह रहे थे, उन्होंने इनको सिलेंडर दिया। क्योंकि मैं भी, आप अक्सर मेरा जो यूट्यूब चैनल वाजवान देखते हैं कि गैस नहीं आता, तो उधर भी गैस नहीं आ रही थी, तो उन्होंने इन बहन और ट्रायल देने के लिए गई थी, उनकी मुलाजमा भी नहीं, तो इनका ट्रायल होता है यहाँ पे डिफेंस वाले। अच्छा, मैं तो ट्रायल के भी पैसे देती हूँ, बट पीपल दे डू नॉट पे। तो ये बहन ट्रायल देने के लिए गई, इन्होंने वो चूल्हा जलाया जो गैस का सिलेंडर था और वो सिलेंडर फट गया और ये अपनी जान की बाजी हारने वाली थी। और वो जो बड़े ही, जिसको कहेंगे ना अमीर कबीर करोड़ों के मकान में रहने वाले जो साहब थे या जो साहिबा थी या जो फैमिली थी, उन्होंने इनके लिए रिक्शा कराया। इस जली हुई खातून, अगर आप इनके जख्म देखें, अब तो बेचारी मुसलमान खातून इतना ही दिखा सकती है, लेकिन उनका पूरा जिस्म इस तरह का है। इनको उन्होंने रिक्शा मंगाया, 5,000 पकड़ाए और बर्न यूनिट खुद से भेज दिया। तो मैं एक बात आपसे पूछूंगी कि चलो यार, मुसलमान तो बड़ी दूर की बात है, तुम लोग इंसान भी हो, ये इंसानियत है। अंग्रेज तो किसी का कुत्ता रास्ते में मर जाए ना तो उस कुत्ते को उठाकर ले जाते हैं और उसको संभाल लेते हैं, तो किस किस्म के इंसान हो। हम इन बहन से खुद उनकी स्टोरी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, नाम क्या आपका? मेरा नाम गुलाम रुबाब। गुलाम रुबाब, मुझे यकीन मानो कि जब मुझे किस्सा पता चला था ना, उस रात में आपके लिए रोई थी। आपको पता है मैं वाकई आंसुओं से रोई थी कि इतना इतना कोई जालिम कैसे हो सकता है। हुआ क्या था आपके साथ? भाजी, मैं किसी के घर ट्राई देने गई थी, मेरा मियाँ नहीं था, मेरे पास काम नहीं था, एक घर का काम था तो किराया बहुत था मेरे पास, एक घर का और पकड़ लिया। मैंने कहा 2-3-4 घंटों का जॉब फारिग आती हूँ ना, कर लूंगी। 2 मेरी बेटियां और 1 मेरा बेटा है। कितनी उम्र के बच्चे आपके? एक बेटी 10 साल की है और 1 6 साल की, और एक बेटा 3 साल का है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं पेट भरेगा, तो थोड़ा सा मैं किराया वगैरह भी उनको देना था रेंट। तो फिर मैं उधर गई काम करने के लिए, तो मैं जल गई, मेरे जो नजला वगैरह लगा हुआ था तो मुझे बदबू नहीं आई गैस की। छोटा अच्छा, गैस ऑलरेडी निकल रही थी, कहीं निकल रही थी, तो जैसे मैंने झुके ऐसे लगाया तो मेरे सारे कपड़ों को आग लग गई। नहीं नहीं, ये आप गई कहाँ पे थी, कौन सी जगह पे गई? जेड ब्लॉक। तो आपको पता है उनपे पुलिस केस बन सकता है, अगर आप चाहें तो आप अच्छे खासे उनसे पैसे ले सकती हैं। बाजी, मुझे उनका नाम का भी नहीं ना पता। घर का एड्रेस तो पता है? घर के एड्रेस का पता है तो, लेकिन वो किराए पे थे, ऑक्सीजन वगैरह लगा रहा था। फिर अम्मी मेरी आई तो उसने और बाजियों ने, जिधर मैं पहले था, ऑक्सीजन लगी रही, इतनी हालत खराब हो गई। हाँ, मेरे ये पीछे से कंधे बाजू ये चेस्ट सारा जला हुआ था, इतना चेहरा भी मेरा सारा जला हुआ था, उन्होंने दवाइयां लगा के तो सही की। नहीं, अभी भी अच्छा खासा जला हुआ है। अच्छा, छोटा सा सिलेंडर था, फिर क्या हुआ? फिर बाजी मैं जल गई, तो उनके डबल दरवाजे थे तो मैं इतनी चीखे मारी थी, मैं कह रही थी माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ, कोई नहीं आया। इतनी मुश्किल से मैंने दरवाजा खोला और अपने कपड़े मुश्किल से फाड़ के, तो जब उन्होंने सेन में देखा, गिराज में कहीं कैमरा था, तो फिर बाजी बाहर आई, तो उस वक्त मैंने कहा बाजी मैं मर गई, अब मैं मर गई, अब नहीं मैं बचूंगी। तो यही बात की, तो फिर उन्होंने रिक्शा वगैरह मंगाया था मुझे हॉस्पिटल में। अस्पताल आपको साथ लेकर नहीं गए? नहीं, उन्होंने रिक्शा कराया और आपको भेज दिया। हाँ जी। और पैसे दिए? नहीं, 5,000 रुपए दिए बस। हाँ, और उसके बाद पूछा भी नहीं कि आप? उसके बाद हमको वो मिला भी नहीं, कहीं किधर गया किधर नहीं। उनका साथ वालों से पूछा तो वो कहते किराएदार थे, वो चले गए। अच्छा, मियाँ कब से छोड़ के गया? मेरे को 5 साल हो गए छोड़े। डॉक्टर ने आपकी सिचुएशन जो थी वो क्रिटिकल बताई थी, मुझे याद है कि मैंने आपके लिए फोन कराया था, मैंने पता कराया था कि आपका क्या हाल हालात हैं, आपको वो सही ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अस्पताल वालों ने आपसे पैसे तो नहीं लिए?
नहीं, उन्होंने 4.5 लाख रुपए हमसे लिए। 4.5 लाख रुपए लिए? हाँ जी, जो एक बिरनौला लगता है वो भी हमको उधर से फ्री नहीं मिला जिना अस्पताल में, वो भी हमने खुद खरीद के लगाया है। मेरी उधर ही फिर दोबारा सर्जरी होनी है तो बहुत महंगी उन्होंने बताई दवाइयां वगैरह। हॉस्पिटल के अंदर जो बर्नट यूनिट है उस पर इन बहन को 4.5 लाख रुपए देना पड़ा, एक ऐसी खातून जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसको बेचारी एक्सीडेंटली जल गई, जिन अमीरों के घर पे जली, उन्होंने इसको देखा भी नहीं। दिन की 5-5 एक टाइम की दवाई 5-5 हजार की आती है। बहुत ज्यादा जली हुई है आपकी बॉडी, मैं देख रही हूँ कि वो तो बहुत ज्यादा जली हुई है। कितने अरसे रही है आप अस्पताल? 3 माह। 3 माह रही है? हाँ जी। और तो 3 माह बच्चों को कौन खिलाता पिलाता है? इधर ही बाजी है और जो हमसाइयां थी, हमारे किराएदार भाई देख गया था ना, अम्मी के साथ जब आपने पैसे दिए थे किराया वगैरह फोन कर, तो वो उन्होंने बेचारे ने ध्यान किया। नहीं, हम राशन वगैरह आपके घर में भिजवाते रहे हैं। हाँ जी, राशन भी पहुंचा। लेकिन मुझे ये बताएं कि मेरे अलावा कोई और था आपके रिश्तेदारों में या कोई? मेरे रिश्तेदारों में किसी ने नहीं मदद की। एक इधर बाजी थी, उसने मदद की है, और एक उधर रहती है फेस 5 में, उसने कुछ मदद किया। कितनी को मदद कर? उसने दे दिया था कोई 20-25 हजार तो दिया था वो इलाज के लिए। आप हाँ जी, उस पे चला गया। तो जो इधर वाली बाजी है वो दूसरे तीसरे दिन 3,000-4,000 दवाई के लिए दे देती थी। तो मेरे बच्चों के लिए स्पेशल वो बाजी खाना वगैरह बना के कुक से, तो वो स्पेशल बच्चों के लिए भेजती थी। इस वक्त हमें ना दो तरह की स्टोरीज सुनाई दी है डिफेंस के घरों की, डिफेंस की आंटियों के बारे में। एक वो जिन्होंने जली हुई खातून को 5,000 देके रिक्शे में मरने के लिए भेज दिया, और दूसरी वो खवातीन जो कि इनको 2,000-4,000 और एक खातून ने तो इनको 20,000 रुपए तक दिए, और 4.5 लाख रुपए में इन्होंने इलाज कराया। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, इनकी अम्मी को मैं जानती हूँ तो मैं उनकी मदद करती रही, और जब तक ये हॉस्पिटल में रही मैंने अस्पताल की इंतजामिया को भी फोन किया, और उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि राबी एवरीथिंग इज फाइन, विच वॉज नॉट फाइन, आई डिडंट नो दैट दे वर चार्जिंग हर। और अब ये बहन हमारे पास आई है तो हम पूछते हैं कि अब बताइए कि अब आपने क्या सोचा, जिंदगी कैसे गुजारनी है, क्या करना है? बाजी बस बच्चों के सारे जिंदगी गुजारनी है। तो ये मेरे जो कंधे है, ये मेरा बाजू अभी काम नहीं करता, मेरी सर्जरी खराब हो गई थी, तो उन्होंने कहा जितनी कितनी खुराक खाओ, तो मेरे पास खुराक के लिए पैसे नहीं थे। अभी रहती काम करो, किराया कौन दे? किराया मेरे पास नहीं है, अब मेरे 2 माह हो गया है तो किराया मेरा नहीं है। 9,000 मेरे मकान का किराया है, 3,000 बच्चों की फीस है, खाने पीने के लिए बच्चियों ने रोजा रखा हुआ है तो उनके पास कुछ ही नहीं है आज तो। बिल्कुल आपके घर में बहुत उम्मीद लेके आई हूँ, तो मेरा इलाज भी करवा दे, बहुत मेहरबानी होगी। ये मेरा पट्टा वगैरह ये काम नहीं करता, ये मेरी टांग भी अब नहीं काम करती। तो घर भी मेरा अपना गांव में नहीं है जिसमें मैं जाके बैठ जाऊं। बहुत मजबूर है कि बाजी आपके पास आ गई। आपने इन बहन की कहानी सुनी और आप यकीन करें मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि जिस दिन मुझे पता चला था जिस तरह से जली है, 3 माह बर्नट यूनिट में रहना, 4.5 लाख रुपए देना, एंड शेम ऑन यू जिना हॉस्पिटल बर्नट यूनिट। मैं लिटरली ये समझती थी कि आप लोगों की फ्री इलाज करते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अगर आप भी लूटेंगे तो मुझे बताओ कि गरीब कहाँ जाएगा, गरीब किसके पास जाएगा? ये मर जाएं, बच्चों को मार दें, खुदकुशी कर लें, क्या करें मुझे बताएं। मैं तो इंसान के रूप में इस तरह के लोग देख देख के परेशान होती हूँ। जिस तरह से वो जल गई उनसे कोई शादी भी नहीं करेगा, वो क्या करें? वेयर कैन शी गो? आप मुझे बताएं, एक ऐसी खातून, आपने कभी सोचा नहीं कि दोबारा शादी कर लें या किसी के साथ? नहीं भाजी, मेरी बेटियां, जब सका बाप नहीं बना तो मंत्रिया कब बने? तो वो क्यों छोड़ गया? बाजी वो काम वगैरह नहीं करता था, कबूतरों का शौक था, कुकड़ों का शौक था उसके, वो उड़ाता था। क्या जिंदगी कैसे गुजरेगी यार, आगे क्या करोगी? बस बाजी बची है मेरी, पढ़ जाए। रहती कहाँ पर आप? अब बाजी मैं सूर्य लावन में रहती हूँ, रोड़ा वाले पे भी मैं चल के आई हूँ, 1.5 घंटे का सफर। चल कर आई हूँ? चल के आई हूँ इतनी दूर से। मैंने कहा इतवार है तो आज बाजी घर होगी, गई नहीं गई, स्कूल नहीं होगी। मेरी जान, आपके पास नंबर है, आपको आइंदा चलने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ड्राइवर है, वो आपको पिक कर लेगा, आपको ड्रॉप कर देगा। सबसे पहले तो मैं ये करती हूँ ना, आप वहाँ पे रहना चाहती हो, मैं आपका घर कहीं पे करीब करवा लूँ अपने चेरेपिंड में, कोई क्वार्टर ढूंढ दूँ आपको? हाँ बाजी ढूंढ दे। ठीक है, मैं चेरेपिंड में क्वार्टर ढूंढ के देती हूँ, आप मेरे घर के पास आ जाओ, और अब आपने परेशान नहीं होना, आपके घर की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है? ठीक है। आपका किराया देना है, आपकी ग्रोसरी पूरी करनी है, और बच्चों को मैं अपने स्कूल में पढ़ाऊँ, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई आर्मी में चली जाए। मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं उनकी पूरी रिसर्च कराती हूँ,
उनके बारे में पूरी पूरा पता कराती हूँ, मेरी टीम है वो जाकर देख कर आती है, और हम उनको पैसे नहीं देते, हम उनकी उस जगह पे मदद करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इनका अगर 2 माह का किराया नहीं रहता तो हम इनको पैसे नहीं देंगे, हमारा बंदा जाएगा उस मालिक मकान से मिलेगा और उसको पैसे देगा। जिस बहन की बात आपको समझ आए कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, आपने ये अकाउंट नंबर नीचे मेंशन है इसके ऊपर आपने उनको पैसे भेजने, और ये जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है इसके ऊपर आपने मैसेज करना है कि ये किसकी मदद जा रही है, हम उन तक पहुंचा देंगे। और आपको जो वीडियो है या आपको जो मैसेज है या वॉइस नोट है उन खातून का विद हर कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो आपको मिल जाएगा। हम डायरेक्ट कभी भी किसी की डिटेल्स जो है वो इसलिए शेयर नहीं करते कि अक्सर उनके साथ ना ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो कि मदद उन तक पहुंचने नहीं देते। तो हमारी फाउंडेशन का मेन मकसद ये है, और ये मैंने शुरू भी इस तरह से किया कि चूंकि मेरे अपने पैसे लगा करते थे हर चीज के ऊपर, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही पैसे लगते हैं ज्यादातर, लेकिन अभी मैंने रमजान में देखा है कि लोगों ने राबी पिज़्ज़ा द फाउंडेशन पर हमारे बगैर मांगे ट्रस्ट करना शुरू किया, और हमें जितनी जिसकी हद तक मुमकिन था लोगों ने हमें फंड्स भेजे। तो मुझे पता है कि कितना जरूरी होता है कि आपके फंड्स सही जगह पर लगें। जैसे मेरे पैसे सही जगह पर लगते थे, वैसे ही मेरे पे जिम्मेदारी है कि आपके भी सही जगह पर लगें, और मेरी पूरी टीम को पता है कि एक एक रुपए का हम ऑडिट रखते हैं, और सारे जो पैसे हैं वो एक तो इसकी मैनेजमेंट पे लगते हैं राबी पिज़्ज़ा द फाउंडेशन की, और दूसरा इन खवातीन के ऊपर लगते हैं, आप जिस भी मुस्तहिक की आप मदद करना चाहते। तो इन बहन की अगर आपने मदद करनी है तो इनका नाम और इन कितनी मदद करनी है आप हमारे उस पर मैसेज कर दीजिए, ताकि हम आपकी मदद जो है वो इन तक पहुंचा दें रमजान के इस महीने में। जज़ाकअल्लाह।